हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मॉल ग्रीन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चिजी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, प्रोपोगेशन तो चिजी प्लांट की कई तरीके से होती है। सिर्फ सिंगल लीफ से भी हो जाती है और इसके जो राइजोम होते हैं नीचे, तो रूट डिवीज़न से भी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको इसकी दूसरा एक तरीका बता रही हूँ, तो वो है वाटर प्रोपोगेशन। पानी में आप इसकी प्रोपोगेशन कीजिए, बहुत ही इजी होती है और उसमें आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं प्लांट के मरने के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रूट डिवीज़न से ही इसको लगाया था। विंटर में मेरे प्लांट, आपने देखा होगा वीडियो मेरा पहले का, तो उसमें मेरा जीजी प्लांट बहुत ही ज़्यादा बूशी था। फिर अब की बार विंटर में मेरा प्लांट रूट रॉट का हो गया था उसमें, तो इसको मैं एक इतना सा ही बस बचा पाई और इसमें से ये एक नया, अब ये शूट निकला है, नया नई ब्रांच निकल रही है। तो बस ये एक मेरा ये सही से हुआ। फिर मेरे बाकी के सब गल गए, तो मैंने उनको भी कटिंग कर करके फिर मैंने इसको ऐसे पानी में लगा दिया था। तो पानी में देखिए सब कितनी अच्छी, ये देखिए सब मेरे ये लग गए हैं, पूरा ये मेरा रूट रॉट हो गया था प्लांट। तो ये देखिए, तो मैंने अलग अलग करके सब ये लगा लिए। देखिए पूरी बड़ी बड़ी स्टेम निकल आई थी और सब मेरे रूट रॉट का हो गया था सब इनमें। तो फिर मैंने सबके ऊपर से कटिंग कर ली थी और कटिंग के बाद मैंने इनको पानी में लगाया। तो पानी में भी फ्रेंड लगाने का एक तरीका होता है कि आपने इसको, मैंने जैसे यहाँ से इसको पूरा यहाँ से कट कर लिया था और फिर उसको पानी में 2-2.5 इंच तक स्टेम को डबो दिया था। और अब इसकी ये देखिए रूट्स, ये देखिए नीचे ये इसकी गांठ में निकल आई है सब, और राइजोम बोलते हैं फ्रेंड इनको। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, और कितनी हेल्दी हैं, सब मेरी हेल्दी है। ये देखिए स्टेम सारी, और इसमें देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी, ये देखिए रूट्स आ गई हैं। करीब 2 महीने हो गए हैं लगाए हुए। ये देखिए इसके स्टेम्स पूरी कितनी बड़ी बड़ी हैं और कितनी मोटी है, ये देखिए, और रूट्स कितनी बढ़िया आई हैं। और नीचे इसमें ये देखिए, जब ये गांठें बन जाती है फ्रेंड, तभी इसमें से नया स्टेम निकलता है। तो ये सब गांठों में से भी देखिए, इसमें तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नया नया नीचे से बेबी प्लांट भी निकल आया। देखिए गांठ में से ही क्योंकि निकलते हैं, जब तक आपकी गांठ नहीं बनेगी नीचे, तब तक आपकी नई स्टेम नहीं निकलेगी जीजी प्लांट की। तो ये देखिए निकल आई पानी में भी, ये देखिए कितना बड़ा निकला है ये वाला, ये। तो वाटर प्रोपोगेशन बहुत ही इजी होता है इसका, सेफ़ होता है प्रोपोगेशन पानी में लगाना। जब आपकी जड़ें 2-2.5 इंच की बड़ी बड़ी हो जाएं, तब आप इसको आप मिट्टी में लगाइए पानी में। फ्रेंड्स, बस इसको आप हफ्ते में एक बार पानी चेंज करते रहिए इसका, और इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, और कटिंग्स आप बार बार हिलाएं ना। और जब भी आप इसका पानी बदलें, तो इसके स्टेम भी अच्छे से पानी से क्लीन कर दीजिए और इसकी पत्तियाँ भी। तो देखिए मेरे 2-2.5 महीने से ये ऐसे ही हैं और कितनी बढ़िया एकदम हरी भरी एकदम है। और मैंने इसको बाहर ही यहीं पे रखा हुआ है शेड में, इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती है और हवा भी मिलती है, रोशनी मिलती है पानी में, जैसे इसके पानी में भी रोशनी जानी चाहिए तभी डेवलप होती हैं जड़ें अच्छे से। तो ये देखिए मेरा ऐसे ही लगी हुई है। आप भी ऐसे इसकी प्रोपोगेशन कीजिए, मतलब सेफ रहता है। अगर आप इसको कोकोपीट में अगर इसकी स्टेम लगाएंगे, तो भी इसका सड़ने का डर रहता है, और लीफ से अगर लगाएंगे तो लीफ से तो प्रोपोगेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और ये देखिए मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि ये देखिए इसमें से नया है बेबी प्लांट भी निकल गया है पानी में।
ऐसे ही जरूर लगाएं। अभी इसका सीजन है फ्रेंड, विंटर में इसकी प्रोपोगेशन नहीं होती है पानी में, क्योंकि विंटर इसका रेस्ट पीरियड होता है। अगर आप अभी लगाएंगे तो इसकी एक डेढ़ महीने में ही रूट्स आ जाएंगी और नीचे ऐसी गांठे बनने लग जाएंगी, फिर उसमें से नए नए बेबी प्लांट्स भी निकलने लग जाएंगे जैसे ही इसमें बनने लग गए। और इसको मैं अब मिट्टी में भी लगा सकती हूँ। तो जब तक फ्रेंड्स आपकी ये जड़ें जब तक पड़ी ना हो जाए तब तक उसको आप मिट्टी में मत लगाइए, नहीं तो फिर से वो गलने का डर रहता है जड़ों का। तो मिट्टी में मैं लगाऊंगी तो एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा मैं बजरी मिलाऊंगी या बालू, तो वेल ड्रेन मिट्टी इसको चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ये देखिए इसमें दो दो बेबी प्लांट भी निकल गए हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।